टू माई चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज जाके नीचे रेड कलर का आइकन होगा वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो शुरू करने से पहले, और बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन होगा वो भी हिट कर लीजिए और मिस्टर गो के फैमिली में आप शामिल हो जाइए। बाकी आज का जो सफर होने वाला है वो होने वाला है हमारा बेट द्वारका का, जहाँ पर चारों धाम है वहाँ पर। और साथ साथ वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल अब कृष्ण जी को भेंट करने के लिए दिया था। तो जब वो आए तो समुद्र के बीच में उनका वो आइलैंड बना हुआ, आइलैंड के बीच में श्री कृष्ण जी का महल था, वहाँ पर रहते थे द्वापर युग में कहा जाता है, माना ऐसा ही जाता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप व्लॉग इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों समुंदर से लौटने के बाद अगली सुबह हो चुकी है, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं श्री द्वारिका जी टेम्पल, तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह ले जाना तो मना है, लेकिन फ़ोन वगैरह हमें बाहर ही रखना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। बाहर बाहर से मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, है ना, फिर तब बाहर से आप लोग भी दर्शन कर लेना, तब तक बने रहो। तो दोस्तों मंदिर का तो दर्शन हो चुका है, अंदर फ़ोन वगैरह लेना और नहीं तो हम फ़ोन ले के लिए आ गए। तो थोड़ा सा आपको भी दिखाऊँगा बाहर से जो मेन एंट्रेंस है हम कहाँ से हो सके करते ना। तो ये है यहाँ पर हमने जूते वगैरह रखे थे, तो ये इस रास्ते से जाना है ना। तो दोस्तों यहाँ से हम गए थे मेन मंदिर में, तो यहाँ पर मार्केट वगैरह है। तो ये देखो ये है मेन मंदिर, हाँ हमें यहीं तक ही अलाउ है, इसके अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है इसके अंदर, तो यहीं से देख लो। ये ऊपर जो झंडा दिख रहा है आप लोगों को, ये दिन में 5 बार, दिन में कम से कम 5 बार चेंज होता है, 3 सुबह की टाइम और 2 दोपहर में। तो ये देखो दोस्तों यहाँ का दर्शन हो चुका है, बाकी थोड़ा सा हम यहाँ एक ट्रेवल्स में जा रहे हैं, तो 120 या 150 में सब जगह घुमाएंगे कह रहे, तो थोड़ा थोड़ा करके क्लिपिंग डाल दूंगा। अगर पूरा डालने लग गया तो क्लिपिंग बहुत लंबी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेट की तैयारी करते हैं। फाइनली गाइस बस ने उतार दिया है, पहला स्टॉप है हमारा रुक्मणी माता का मंदिर, यहाँ पर 20 मिनट के लिए रुकेगी, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलते चलते स्टॉप पे जाता रहेगा। तो दोस्तों हम अंदर होके आ चुके हैं, ये रुक्मणी जी का मंदिर है। और जब श्री कृष्ण रुक्मणी जी को द्वारका के लिए ला रहे थे तब उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने अंगूठे से जैसे दबाने के बाद गंगा जी को बाहर निकाला था, उसके बाद रुक्मणी जी ने किया। और वहाँ पर गुरु भी थे, तो सबसे पहले उनको देना था, तो उनको श्राप मिला कि इस पूरे द्वारका क्षेत्र में आपको कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और श्राप मिला उन दोनों को कि मतलब श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को 12 साल का मतलब 12 साल अलग अलग रहना था, वैसा श्राप मिला। तो रुक्मणी जी ने 12 साल यहीं पर तपस्या की थी, और श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है वो दूसरी तरफ है। तो दोस्तों दूसरा स्टॉप है, ये है नागेश्वर महादेव, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है और 1 ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर जी। तो यहाँ पर शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है वो 85 फीट ऊँचा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर भी 30 मिनट ही रुकेगी, क्योंकि जो दूसरी जगह जाना है वो जाना है हमने कम से कम बोट से होते हुए 5 किलोमीटर। तो ये है 85 फीट जी। इसका मतलब ये नहीं कि तो पानी लगा इस अंदर हम घुस चुके हैं, शायद यहाँ पर अलाउ है फोन, और कोशिश करूँगा मैं कैंसिल करने की। तो यहाँ पर सामने शिवलिंग है द्वापर युग में, कई बार श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ पर जल अभिषेक जितने भी शिव के ऊपर चढ़ते हैं उन्होंने किया है, तो कोशिश करूँ कैसे करेंगे।
दोस्तों ये तीसरा स्टॉप है और इस जगह का नाम है गोपी और यहाँ पर है तालाब। तो पूरा का मतलब नाम मिक्स करने के बाद हो जाता गोपी तालाब। इस जगह के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता क्योंकि गाइड ने बताया भी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए रुके, ज़्यादा टाइम है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर तालाब है कहाँ, है तो दिखाऊंगा, अगर नहीं है तो फिर कहाँ से दिखाऊंगा, होगा ही शायद। दोस्तों यहाँ पर आराम नाम का कृता पत्थर भी लिख रखा है और ये है तालाब। अभी इतना साफ है नहीं क्योंकि ये उस टाइम का तालाब होगा। तो यहाँ पर है राम नाम का, उस टाइम जब पुल का निर्माण हो रहा था तो वो पत्थर भी ऐसा है यहाँ पर, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर श्री लड्डू गोपाल जी भी है। अब हमें ढूंढना है वो पत्थर, पता नहीं कहाँ पर है। तो वो पत्थर यहाँ पर है जो तैर रहा है। जन सेवा देते हुए ये वही पत्थर है, देख सकते आप तैर रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पॉइंट में, मतलब पहुंचे नहीं है। अब यहाँ से हमें बोट लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो एक आइलैंड है जिसका नाम है भेट द्वारका। जहाँ पर हम रहते थे वो है गोमती द्वारका और ये है भेट द्वारका। तो क्योंकि वहाँ पर गोमती नदी थी तो गोमती द्वारका थी वो। तो जो ये है भेट द्वारका जहाँ पर सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल कृष्ण जी को दान किया था। तो और ये है समुन्द्र के बीच में जहाँ पर कृष्ण जी का जो रहने का ठिकाना था वो था। बाकी वही देखते क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये है यहाँ का मार्केट, लोकल मार्केट कह सकते हो आप, है ना। तो भेट द्वारका की जो आबादी है वो 7000 है, 7000 लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर आई थिंक मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं है तो यहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। और जो वहाँ की जीविका चलती है वो फिशिंग से ज़्यादातर चलती है। तो अभी हमें यही पता चला, बाकी आप देख सकते हो मेरे पीछे भी है ना सारे मार्केट लगे हुए हैं। तब तक दोस्तों यहाँ पर बोट वगैरह है जो ये आप देख रहे हो, बीच में आइलैंड है। तो यहाँ पर पुल भी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पुल भी कनेक्ट हो रहा है, बड़ा हाईवे लाइन पुल कनेक्ट हो रहा है। तो ये है भेट द्वारका, तो ये आइलैंड है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का आई थिंक उस टाइम पे महल रहा करता था। आधा द्वारका तो डूब गया था, सिर्फ एक ही हिस्सा है। और यहाँ पर भी शायद पहले की बहुत सारी चीज़ें तो नहीं होंगी, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमें ढूंढना लोकल बोट, देखते हैं मिलेगा नहीं। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर बोट पे बैठ चुके हैं। तो पहले ही सीट आपने ले लिया है, आप देख सकते हैं पता टिकट अभी लिया नहीं है, पता नहीं। निकल चुकी है हमारी बोट। फाइनली गाइस हम दूसरे छोर पे पहुंच चुके हैं आइलैंड पे। तो हम वहां पर थे वहां वो उस वाले में, तो अब हम यहां पर पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं भेट द्वारका में। अब हम जा रहे सीधे श्याम जी के मंदिर पे। तो दोस्तों अभी मोबाइल वगैरह सारा यहीं पर बंद होगा तो हम ले जा नहीं सकते। तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ना किस तरीके से बना हुआ है। तो हमें वहाँ पर अपना जूता जमा करना है, तो उसके बाद हम निकलते हैं मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए। तब तक आप जान दो। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वहाँ से, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, अंधेरा भी बहुत हो चुका था। तो अभी हम फिलहाल बोट में बैठे हुए हैं, बाकी आपसे मिलते हैं सीधे रूम पे। अब होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना यार। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करना। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग मिस्टर गो के फैमिली में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपके मिस्टर गो को सपोर्ट करने के लिए। बाकी अब हम निकलते हैं दूसरे स्टेट की तरफ, वो होगा महाराष्ट्र। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून, बने रहो मिस्टर गो के साथ आपका।